अच्छा रूल नंबर फोर, थिंक अबाउट करेक्ट आंसर आफ्टर स्टेम रीडिंग एंड बिफोर रीडिंग द ऑप्शन। ये ध्यान से केयरफुली, अगर आपको ठीक लगे प्रैक्टिस करके देखना तब ये अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। अच्छा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। कौन सा कलर हूँ, वाइट ही यहाँ सूटेबल रहेगा। ओके द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आया एकदम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैंने प्रोबेबिलिटी का मेरा जो सेंट्रल आइडिया है वो याद रिकॉल कर लिया, लॉन्ग टर्म मेमोरी से इधर आ गया। प्रोबेबिलिटी के क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी के लिए पॉपुलेशन नंबर चाहिए, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग फ्रेम, फ्रेम चाहिए। फ्रेम क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन ए पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जो मैं 10th क्लास स्टूडेंट्स पर कर रहा हूँ, तो जलंधर के पंजाब CBSE बोर्ड से लगा लीजिए, तो मुझे वो लिस्ट जो मेरे पास है और टोटल नंबर उनके है वो चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बेस क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, अगर नंबर ही आपके पास नहीं आप प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे सामने एकदम आ गया, प्रोसीजर आर मोस्टली यूज इन विच द फॉलोइंग, किस रिसर्च में होता है नेचुरली तो नंबर चाहिए ना, फिर क्वांटिटेटिव आ गया, ठीक। अब मैं देख रहा हूं सर्वे, यस सर्वे में नंबर ही होते हैं, क्यों नहीं होते, हाइपोथेसिस भी टेस्ट होते हैं और नंबर भी होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यस बिल्कुल। फिनोमिनोलॉजिकल, ये तो क्वालिटेटिव है ना, एन नहीं चाहिए, एन ये बिल्कुल डिफाइंड पॉपुलेशन नहीं है, क्वालिटेटिव डाटा है, दो चीजें आ गई। एक्शन रिसर्च, इसमें भी क्वालिटेटिव डाटा डोमिनेट करता है। अच्छा कोरिलेशन डिजाइन, प्योरली न्यूमेरिकल जो मेरे पास आई हैं कि ये तीन ठीक हैं। मोस्टली यूज, ये कह रहे हैं मोस्टली यूज, इन्होंने मोस्टली करके अपने आप को सेफ कर लिया है। अगर इनकी फर्दर नॉलेज चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो अगर कहोगे तो फिर मैं बना दूंगा, एक एक पर अलग अलग इन डेप्थ वीडियो बनेगी विद एग्जांपल। तो ये होगी आपकी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की। अब मैंने क्या किया कि ये पॉइंट कौन सा कर रहे हैं, पहले भी इसकी एग्जाम्पल आ चुकी है कि मैंने स्टेम, ये स्टेम है, इसको रीड किया, इनको अभी रीड नहीं किया, इनको रीड करके जो मेरे भी अंडरलाइनिंग है, जो मेन फ्रेज है, जहां जहां मेन कंसेप्ट है, कीवर्ड्स हैं, उन पर सोचना शुरू कर दिया, उससे पहले ये रीड करने से पहले, ठीक है, ये रीड करने के बाद वो जो सेंट्रल आइडिया मेरे पास था आ गया एकदम, उसने मेरी एनर्जी बचा दी। क्यों, अगर आप ये पढ़ के एकदम ये रीड करते हो तो आप इनमें उलझते हो। रिसर्च ये कह रही है कि रिलेटिवली यहां पर इसको रीड करने के बाद ये रीड करके आप सोच रहे हो तो आपकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगती है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर आप ये रीड करके इसके बाद सेंट्रल आइडिया कंसेप्ट आप एग्जांपल जो रखी हुई है वो स्ट्रेटजी अलग बताऊंगा प्रेपरेशन की, तो बिल्कुल आप वहां पहुंच गए हो। और आपने देखा मैंने जैसे क्या निकाला, सिर्फ यही निकाला ना, प्रोबेबिलिटी नंबर चाहिए, क्वांटिटेटिव चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं चाहिए। तो यहां मैंने जब आया मैंने देखा क्वालिटेटिव कौन सी है, क्वांटिटेटिव कौन सी है, अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से अगर आपको ये सूटेबल लगती है प्रैक्टिस करके देखिए, फिर एग्जाम में अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नहीं, इसको पहले प्रैक्टिस हर हालत में करना ही होगा। अच्छा ये एक मैंने एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां से लर्न किया है और मैंने वहां जस्ट स्टेम रीड की, एकदम मैंने ये इसको रिकॉल कर लिया, ठीक है, फिर मैंने ऑप्शन रीड की, ये एग्जाम्पल इसलिए रखी थी। ये भी हो सकता है।